भारतीय अर्थशास्त्र भाग दो बुक लुसेंट सामान्य अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नई आर्थिक नीति के बारे में कि भारत की नई आर्थिक नीति क्या कहती है और इससे संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार और आगे भी कई बार पूछे जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा भारतीय वित्त व्यवस्था हमारी क्या है। फिर मैं कवर करूंगा भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। सिक्कों का उत्पादन कौन करता है, इसकी अथॉरिटी किसके पास में होती है, किस सिक्के की वैल्यू क्या होती है, कभी भी नोट प्रिंट करने से पहले कितना हमारे पास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन किंतु परंतु क्या, इस वीडियो को देखते समय एक छोटी सी कंडीशंस मैं आपके ऊपर अप्लाई करना चाहूंगा और ये कंडीशंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। वो कंडीशंस क्या, आप सुन लीजिए कि वीडियो देखते समय अपने पास इस बुक को, मतलब लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक को अपने पास जरूर रखें और मेरे द्वारा बताए गए हर पॉइंट को आप हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, उसको याद करें। इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार और वीडियो को वॉच करें अगर आपके पास डाटा है तो, राइट। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नई आर्थिक नीति क्या होती है, देखिए नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है। देखिए सुधार की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है, तो उसी प्रकार से नई आर्थिक नीति क्या करती है, वो आर्थिक सुधार करती है। भारत के अंदर जो भी गतिविधियां बेकार होती हैं, गलत होती हैं, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है, वो इसका ये काम होता है। और इसका उद्देश्य क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य, इसका एम, इसका लक्ष्य क्या होता है, उत्पादकता में सुधार करना, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र मतलब संपूर्ण रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना। इतना बड़ा काम इसका होता है। तो नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किसने रखी थी सबसे पहले, तो ये रखी थी राजीव गांधी ने। कब रखी थी, जब वो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वो कब थे, तो उन्होंने 1985 में ये योजना इन्होंने बनाई आर्थिक सुधार की रूपरेखा। इन्होंने बोला कि यार कि हर चीज का एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था में एक्चुअली सुधार की आवश्यकता है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो हम उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये कहा था राजीव गांधी ने। इन्होंने फिर विचार विमर्श करा, एक कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद में नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा रखी इन्होंने, और ये थे प्रधानमंत्री। और इसकी रूपरेखा कब रखी गई थी, 1985 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे हम बात करते हैं, नई आर्थिक नीति के तीन आयाम होते हैं, तीन चरण होते हैं, तीन फेज होते हैं। पहला है आपका निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। बस बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम में यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आप चाहे ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो ग्रेड बी एग्जाम की, ग्रेड सी एग्जाम की। देखिए नई आर्थिक सुधार नीति 1991 ईस्वी में आगे बढ़ते हुए अब तक काफी खुली, उदार एवं वैश्वीकृत हो चुकी है। पहले और अब में बहुत फर्क है अर्थव्यवस्था में। पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार की आवश्यकता बहुत अधिक थी, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एक्शन लिए और हमारी जो आर्थिक सुधार नीति है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया। वो बात थोड़ी अलग है कि रोजगार के स्तर बढ़ नहीं पाए अभी भी। 1200 वैकेंसी के लिए 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके छोटे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो जैसे सीजीएल एग्जाम में कितनी पोस्ट निकलती है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। रेलवे के एग्जाम देखिए अब कितनी होती है, 1 करोड़ लास्ट टाइम फॉर्म भरे गए थे। सोचिए रेलवे ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट निकली थी वो। सोचिए बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ रहा है। कुछ नहीं, सरकार करेगी बहुत जल्द, कब करेगी कुछ नहीं पता। अब हम बात करते हैं फिलहाल नवरत्न वाली, नवरत्न जैसी वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं और जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसी कुल 20 कंपनियों की पहचान की गई है। अब हम बात करते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था क्या है। देखिए भारतीय वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्लान, ऐसा मॉडल जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है, इसको बोलते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था। तो भारतीय वित्त व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं, दो फेज, दो साइड होती है इसकी। पहला पक्ष जो है वो है, पहला है मांग पक्ष, कितनी मांग है उसको ध्यान में रखा जाता है। सेकंड जो हमारा जो फेज होता है वो होता है पूर्ति पक्ष। तो मांग पक्ष का
प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता है आपका बैंक, बीमा कंपनी या फिर जो म्यूचुअल फंड वगैरह कंपनी होती है वो, तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। तो ध्यान रखना, पूर्ति पक्ष का काम किसका है और तुम्हारा ये मांग पक्ष की पूर्ति कौन करता है। तो मांग पक्ष में कौन कौन सी कैटेगरी रखी जाती हैं और पूर्ति पक्ष में कौन, क्योंकि इस तरह के मैं इतना डीपली आपको फिलहाल यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं वहाँ पे आपको पेपर वन में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था को दो भागों में डिवाइड करा गया है। पहला आपका है भारतीय मुद्रा बाजार और सेकंड क्या है, भारतीय पूंजी बाजार। मुद्रा और पूंजी दो भागों में इसको बांटा गया है, किसको, भारतीय वित्त व्यवस्था को। तो भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है, ये तीन भाग हैं इसके। तो आप इस सभी पॉइंटों को आप ध्यान से रीड करना, इसमें इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट था, मैंने अंडरलाइन पूरा ही कर दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में यूटीआई की स्थापना हुई थी। यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करते हैं आपसे फिलहाल डीएफएचआई। डीएफएचआई एक्चुअली क्या होता है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। और इसका कार्य क्या होता है, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका काम होता है। किसका काम होता है, डीएफएचआई का। फुल फॉर्म क्या है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में, तो आप इसको तुरंत अभी याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में, कि जिस सामान्य ब्याज पर या ब्याज रेट पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य मतलब कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाता है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, तो रेपो रेट होता है अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, ये बैंक रेट, ये सब आपको पक्का पता होगा अगर आपको तैयारी करते हुए एक साल से ऊपर हो चुका है। तो अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कि अल्पकालिक, इन सब पॉइंट को ना आप फिलहाल पॉज करके खुद पढ़िए ध्यान से, दो तीन बार पढ़ना आपको कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो मैंने केवल अंडरलाइन करा है, बाकी की डिटेल आप ध्यान से पढ़िए और खुद पढ़िए हो सके तो। हाँ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका CRR, सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा। देखिए, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह परसेंट भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। कोई बैंक अगर अपना बैंक खोल लेता है तो ऐसा नहीं कि बस खोल दिया और हो गया, नहीं, उसको कुछ अपना मनी रिजर्व क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी के रूप में, इसको बोलते हैं CRR। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की ब्रांचेस उतनी ज्यादा क्या हो सकती है, खुल सकती है, क्षमता उतनी ही कम होती है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। अब हम बात करते हैं SLR, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नकद, स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। PLR बहुत ही कम पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही कम, ये सभी टर्म जो है वो बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज रेट होता है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम बात करते हैं UTI अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। क्या है, सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है वो बताइए, उसका नाम बताइए, एग्जाम ये पूछेगा, तो वो है आपकी UTI। और उसके बाद हम बात करते हैं सेबी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। बस स्थापना याद रखना है, इसका काम क्या है, कैसे कैसे, इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। और याद करना है आपको इसका मुख्यालय, है कहाँ पर, मुंबई में, और उसके बाद में 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी और सेबी मतलब संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए
25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। कितना जुर्माना कर सकता है ये? 25 करोड़ रुपए का। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1991 में। और बात करते हैं एनएसई की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितनी है? 25 करोड़ रुपए है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, वर्ली में। कहाँ पर? मुंबई में, वर्ली में। बाकी देखिए इतना कौन कौन सी कंपनी, देखिए शेयर मूल्य सूचकांक ये सब चाहे तो आप रीड कर सकते हैं फिलहाल। देखिए मैं बात करता हूँ कि शेयर होल्डर के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लाभांश। याद रहेगा आपको क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लाभांश। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई, और लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे उस टाइम पे हुआ था राष्ट्रीयकरण। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? देखिए वो है 1 जुलाई से 30 जून। भारतीय रिजर्व बैंक का पूछेगा तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछेगा भारत में वित्तीय वर्ष का फाइनेंशियल ईयर क्या था, तो वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। दोनों में फर्क है, वो 1 अप्रैल, तो ये है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक का। और मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया था, और 1 जुलाई 2011 में देश में 25 पैसे वे इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों के प्रचलन में औपचारिक रूप से इन सभी सिक्कों को अमान्य घोषित कर दिया। मतलब 25 पैसे से नीचे जो भी सिक्के होंगे, 5 पैसे, 2 पैसे, 10 पैसे और इस तरह के सिक्के जो भी होंगे वो क्या होंगे? पूरी तरह से इनवैलिड, मतलब बाजार में इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में खोला गया था। और 17 जुलाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप हाईलाइट मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मत करना, इसको डायरेक्ट अपने परमानेंट मार्कर से अपने माइंड में इसको दर्ज कर लीजिए, परमानेंट मार्कर से इसको नहीं भूलना है। 14 बैंकों का क्या हो गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। उस समय कौन थी प्रधानमंत्री? वो थी इंदिरा गांधी उस समय, ठीक है? फिर हम बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले डेबिट कार्ड जो स्टार्ट करा था इसने वो करा था, इसको बोलते हैं एटीएम कार्ड, ठीक है? डेबिट कार्ड जो स्टार्ट करा था वो करा था पंजाब नेशनल बैंक ने। और इसने यह योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में। और लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन से की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश द्वारा देश का पहला क्या हो गया? तैरता हुआ एटीएम स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोची में। कब हुआ था? 2004 में, ठीक है? और प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 को। और भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका मुंबई में। और जीआईसी मतलब भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं बजट। बजट क्या होता है? देखिए बजट का जो अर्थ होता है, इसका विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, बुजेट। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक छोटा चमड़े का थैला, बैग। और भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो बजट की जो स्टार्टिंग करी थी वो करी थी वाइस राय कैनिंग ने, और इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है जेम्स विल्सन को। संस्थापक जो अगर बात करी जाएगी, वास्तव में जो जन्म संस्थापक थे वो थे आपके जेम्स विल्सन। और वाइस राय की बात करी, किस वाइस राय ने इसमें सहयोग करा था, तो इसका श्रेय जाता है कैनिंग को। और इस वार्षिक वित्तीय विवरण
संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट दोनों क्या थे, एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन बाद में इनको अलग अलग कर दिया और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया, तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। और 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री कौन थे, आर के षणमुखम सेट्टी द्वारा पेश किया गया। प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत करा गया भारत का, यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बन जाता है। तो ये नाम है आपका आर के षणमुखम। और जॉन मथाई के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत करा था, तो वो करा था जॉन मथाई ने। और 26 जनवरी 1947 को पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये थे आपके आर के षणमुखम सेट्टी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट देश पेश किया था और बजट को पेश करते समय उन्होंने घोषणा की थी कि अगला वर्ष बजट का क्या होगा, 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। और उसके बाद वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या करा था, देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। तो आर्थिक उदारीकरण नीति किसने घोषणा करी थी लागू करने की, उसका नाम बताइए, वित्त मंत्री उस समय कौन था, तो कब करी गई थी, 1991 में करी गई थी आर्थिक उदारीकरण नीति लागू करने की घोषणा। किसने करी थी, तो वो थे उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। और 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट प्रस्तुत करा गया और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर लाइव प्रसारण हुआ था। लाइव प्रसारण कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 फरवरी 1992 को। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है वो आप देख लेना। प्रत्यक्ष कर मतलब कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, उपहार कर, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। और होटल प्राप्तियों पर कर जो होता है ये सब लगाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या होते हैं, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस प्रकार का टैक्स है, तो ये है आपका अप्रत्यक्ष टैक्स। सेवा कर सर्विस टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, ये है आपका अप्रत्यक्ष कर। और इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है केंद्र सरकार। अब हम बात करते हैं वैट, सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया था वैट। और छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किसने करी थी, ये करी थी चलैया समिति ने। चलैया समिति का संबंध किससे है, तो ये है आपका छोटे व्यापारियों के लिए आयकर योजना निर्धारित करना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, केवल हम इसको देखेंगे आप कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो कहाँ पर है, ये है नासिक महाराष्ट्र में। और यहाँ पे क्या क्या काम होता है, यहाँ पर होता है आपका डाक टिकट प्रिंट होते हैं, यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर प्रिंट होते हैं, पासपोर्ट की प्रिंटिंग पेपर वगैरह जो बनते हैं वो सब यहीं पे, इनकी छपाई कटाई बुनाई सब यहीं पे होती है पेपर की, ये मान लीजिए। आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये है हैदराबाद में। और इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने वे पूरे देश के केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टैंप ड्यूटी जो लगते हैं ना, स्टैंप पेपर बनता है, तो वो सब पेपर कहाँ पे मेंटेन होता है, कहाँ पे प्रिंट होता है, कहाँ पे वो बनता है पेपर, तो ये बनता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। तो करेंसी नोट मतलब जो आप 100 का नोट आप देखते हैं जो उसका पेपर आप टच करते हैं, तो वो पेपर की प्रिंटिंग वगैरह कहाँ पे होती है। प्रिंटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए वहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे ये एक्चुअली डिजाइन होता है पेपर, जैसे आप देखते हैं कि गांधी जी का एक वाटर मार्क होता है नोट के अंदर, तो इस प्रकार की जो भी छपाई वगैरह होती है तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी महाराष्ट्र में 500 और 1000, 10, 50, 100 के नोटों की प्रिंटिंग यहाँ पे होती है। फिर हम बात करते हैं आपसे देवास मतलब बैंक नोट प्रेस, देवास कहाँ पे स्थित है, तो देवास है आपका मध्य प्रदेश में, आप याद रखना। यहाँ पर क्या चीज फेमस है, ये है बैंक नोट प्रेस। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और उससे प्लस मतलब ऊंचे मूल्य के वर्ग के नोट छापती है। और बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना कहाँ पर है, इसकी इंक कहाँ पे बनती है, तो ये प्रतिभूति पत्रों का ही स्याही का निर्माण भी करता है, इंक भी बनती है यहाँ पर और पेपर भी बनता है और प्रिंटिंग भी होती है, कहाँ पर, देवास में मध्य प्रदेश।
फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो यह है होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू किया गया था ये। फिर हम बात करते हैं टकसाल के बारे में। टकसाल क्या होता है, इसको बोलते हैं मिंट, और यहाँ पे आपकी होती है कॉइन की प्रिंटिंग। एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, तो इस प्रकार जो भी कॉइन बनते हैं वो बनते हैं मिंट में, टकसाल में। टकसाल आपको पता होगा, बट शायद इंग्लिश में जो वर्ड आता है आपका मिंट, तो मिंट के बारे में शायद आपको आइडिया ना हो। अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में भी, एक्चुअली नोएडा दिल्ली के काफ़ी करीब पड़ता है, तो अगर आप नोएडा में जाके किसी को बोलते हैं कि मुझे मिंट जाना है, तो शायद कुछ लोगों को ना पता हो जहाँ पे कॉइन की छपाई होनी है। टकसाल जाना है किसी, आप ऑटो वाले से बोलेंगे तो आपको टकसाल तो छोड़ देगा, लेकिन मिंट नहीं छोड़ पाता है वो, क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मुझे कहीं मिंट में जाना था, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी। तो मिंट मतलब टकसाल है। देखिए, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने तथा तमगों का उत्पादन, जो मेडल वगैरह मिलते हैं ना, जो स्पेशल कॉइन जो चलाए जाते हैं, 100 का सिक्का, 100 का सिक्का आपने देखा नहीं होगा, बट 100 का सिक्का भी प्रिंट हो चुका है। जैसे 150 का सिक्का, 150 रुपये का सिक्का बिल्कुल प्रिंट हुआ है। तो ये कुछ VIP सिक्के वगैरह होते हैं, तमगे वगैरह, मेडल वगैरह, ट्रॉफी वगैरह, ये सब भी जो डिज़ाइन होती है वो सब कहाँ पे होती है, वो सब होती है प्रिंट मिंट में, टकसाल में। तो टोटल टकसाल है कितनी भारत में, भारत में टोटल है आपकी 4, एक है मुंबई में, कलकत्ता में, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। तो टोटल कितनी हो गई, 4, तो आप ये याद रखना यहाँ पर। और सबसे नई जो बनी है ना टकसाल, वो बनी है 1989 में, ठीक है, 1989 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, उसको चेक करिए, आप डिसाइड करिए कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। अगर यूज़फुल हो तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको दिखाई देगा उसके बगल में एक बेल आइकन, इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आप चाहें तो चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, चाहें तो, कोई फोर्स नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप एक अर्निंग सोर्स आपके पास में है, अगर आप प्राइवेट या सरकारी जॉब करते हैं, तो आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।